नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के इस क्विक सेशन में। परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर के प्रश्न अक्सर ऐसे टॉपिक से बनते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह करंट अफेयर का क्विक सेशन इसीलिए आप सभी लोगों के लिए प्लान किया गया है कि 7 से 8 मिनट में ऐसी सारगर्भित सामग्री आपको दी जाए जिससे आपका परीक्षा में बहुत फायदा हो। इसी के पहले क्रम में आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देख रहे हैं। 7 भाग ऐसे हैं जहां से प्रश्न आपके बनते हैं और हम 7 से 8 मिनट में इसको आराम से कवर कर लेंगे। आने वाले समय में UPSSC पेट की परीक्षा, उसके लिए सत्र बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह सत्र समान रूप से उपयोगी है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इनको हम 7 भागों में बांट के पढ़ेंगे। जितने भी देशों के राष्ट्रपति नए नियुक्त हुए उनको देखेंगे, जितने भी देशों के प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए उनको देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां जो भारत में हुई हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो वैश्विक हुई हैं, प्रमुख खेलों से संबंधित जो नियुक्तियां हुई हैं, भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन से हैं और प्रमुख कंपनियों के CEO कौन है, इनको हम देखेंगे। और ये वह हिस्से हैं जहां से लगातार प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बनते हैं। तो इस सारगर्भित वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पैडोल जी की नियुक्ति की गई है। वहीं बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी की नियुक्ति की गई है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जी के बारे में बात करें तो आरिफ अलवी जी की नियुक्ति की गई है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में डीना वोलुआर्ट नियुक्त हुई है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पर्क मुसर जो है निर्वाचित हुई है। संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त है। और सिंगापुर में भारतीय मूल के थर्मन सनमुग रत्नम जो है वो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त है। यह इन देशों के राष्ट्रपति हैं जिन देशों के राष्ट्रपति आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो केन्या के राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो की नियुक्ति हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में रिसेप तैयब एर्दोगन की नियुक्ति हुई है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में एमरसन मनागागवा की नियुक्ति हुई है। किंग्स चार्ल्स III ये ब्रिटेन के नए जो है राजा हैं, आप कह लीजिए कि ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। मिगुएल डियाज कैनल को क्यूबा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लूला डी डिसिल्वा को ब्राजील का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और सेंटियागो पेना को पराग्वे का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 12 से 13 ऐसे देश हैं जिनके नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो करंट अफेयर्स के हिसाब से आपके लिए जरूरी है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्प कमल दल प्रचंड जी को नेपाल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अनवारुल हक कक्कड़ को पाकिस्तान का कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। हाँ, मैनुएला रोकाबोटे जो है वो इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, अभी लगातार ये चर्चा में नहीं है। श्रेथा थावसिन जो है वो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है और क्रिस हिपकिंस जो है वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, हुन मैनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सित्विनी राबुका फिजी की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है। जेम्स मारे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है। क्रियाकोस मित्सोताकिस जो है वो ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है और पेटेरी ओर्पो जो है वो फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है। तो ये वैश्विक रूप से जितने प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनकी ये जानकारी आपको थी। अब प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखते हैं। जया वर्मा सिन्हा जो है वो अध्यक्ष व CEO रेलवे की बनाई गई है। रवि सिन्हा जी जो है वो रा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। VR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। यहां पर अगर हम लोग देखें, डॉक्टर अरविंद बिरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर जी जो है यहां पर वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। अमिताभ कांत जी को भारत की तरफ से G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है, यह बहुत सफल आयोजन रहा हमारे यहाँ। और हर्षवर्धन श्रृंगला जी को भारत की तरफ से G20 के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम देखें, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त है। प्रवीण सूद CBI के निदेशक हैं। आर माधवन जो अभिनेता है इनको भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, जिसको आप ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके जो है रूप में नियुक्त किया गया है।
साजी केबी राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष हैं इस समय। अजीत कुमार मोहंती जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं और सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। तो यह समस्त जो है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जिनको एक नजर में आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो अजय बंगा भारत से ही संबंधित है, इनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख के रूप में नियुक्त है। वोल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है, ब्रिक्स है ये विश्व बैंक नहीं, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है। सेलेस्टे सोलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की महासचिव है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष है, ये महासचिव है बेटा और ये यहाँ पे कौन है अध्यक्ष है। इसके बाद अगर हम प्रमुख खेलों से संबंधित नियुक्तियों को देखें तो ग्रेग वर्कले जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, इस समय आईसीसी इवेंट भी चल रहा है वर्ल्ड कप। रोजर बिन्नी जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। एमसी मैरीकॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष है और दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। बहुत सम्मानित खिलाड़ियों को जब उन्हीं के क्षेत्र में और जो है कार्य करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से यह खेल विकास की ओर आगे बढ़ते हैं और पीटी उषा, एमसी मैरीकॉम, दिलीप टर्की, रोजर बिन्नी और ग्रेग वर्कले इसी तरह के खिलाड़ी अपने उसमें रहे जो अब प्रशासक के रूप में कार्य करके अपने देशों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो जो कल्याण चौबे है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में है। मेघना अहलावत जो है वो टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष के रूप में है। विश्वनाथन आनंद फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त है और आधव अर्जुन जो है वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। निश्चित रूप से अगर आपने नियुक्तियों को तैयार किया है तो यहां से क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा और तीन क्वेश्चन परीक्षाओं में नियुक्तियों के निश्चित रूप से आपसे आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें भारत के प्रमुख पदाधिकारी के रूप में तो गिरीशचंद मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसको आप सीएजी कहते हैं उसके रूप में नियुक्त है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जो है वो भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं इस समय। अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 25 में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य सदस्य के रूप में अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे जी को भी नियुक्त किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, क्रम में 11वें हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो 8वें हैं। ऋतुराज अवस्थी जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में भी बात करें तो एक प्रश्न यहां से निश्चित आपका बनता है। लिंडा याकारिनो जो है वो ट्विटर की सीईओ है अभी। नील मोहन जो है वो यूट्यूब के सीईओ हैं। एलन मस्क जो है वो टेस्ला के सीईओ हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के सीईओ हैं। बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ हैं। टीवी नरेंद्रन जो है वो टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक हैं और अमित अग्रवाल जो है वो यूआईडीएआई के सीईओ हैं। ये सीईओ के रूप में जो नियुक्तियां हैं वो ये हैं। तो मैंने आपको लगभग 7 तरीके से नियुक्तियों को पूरा बताया और कोशिश मैंने की कि इन 7 तरीकों में लगभग लगभग जितनी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको शामिल करें। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अगर हम 2023 की बात करें जो 2022 और 23 में आपके लिए जरूरी है तो 2023 की ही नियुक्तियों को आपको ज्यादा पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और लगभग जितनी नियुक्तियां हैं उनको सारा मैंने आपको कवर किया है, आपको बस एक बार इस फाइल का अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है। ऐसे और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस के साथ अगले 5 से 10 दिनों में मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। यह बहुत बहुमूल्य वीडियो है, इस श्रृंखला को अपना स्नेह दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को रिवाइज जरूर करिए क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षाओं में मिलेंगे। ये आपके लिए कलेक्शन है जहां पर आपको बहुत जगह खोजना नहीं है, एक बार लेके तुरंत हम इसको रिवाइज करते हैं। परीक्षा की उपयोगिता के अनुसार इस वीडियो को बनाया गया है। जब कोई ऐसी परीक्षा होगी जहां पर डिटेलिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपकी परीक्षा की उपयोगिता के अनुसार इन छोटे छोटे वीडियोज को तैयार किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो के साथ जल्द उपस्थित होता हूं। नमस्कार।